क्या बोला मालूम पड़ेगी बीच मालूम पड़ा डिस्प्ले गया मरने लगा मोबाइल का डिस्प्ले गया बेटा कहाँ अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप भी खैर से होंगे तो शादी को जा रहे थे हम एक कल आओगे मुझे कल एडिट करने के लिए हुआ नहीं मुझे भी हुआ नहीं मुझे और इन्हें उसको थोड़ा तबीयत सही नहीं था अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेटर है अल्लाह का शुक्र है और इन्हें देखो माशाल्लाह क्यूट से क्यूट लग रहा था हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हुई शादी और मैं भी सुबह में एडिट कर रही हूँ व्लॉग वीडियो तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना तो जल्दी से लाइक कर दो कमेंट करना मत बोलो आलिना मुझे मेरी दुम में आलिना किधर भी जाती नहीं मुझे छोड़ के बहुत कम हो आलियान तो थोड़ा तो जाता है लेकिन आलिना बहुत कम ज़्यादा फिर वह उधर वीडियो सब निकाली थी मैं क्योंकि बोले तो इंदुस भी था में अलीना भी थी फिर भी इतना निकाली बोलो है ना बहुत बड़ी बात है इंदुस देखो शायद इंदुस को नज़र हुआ ये पता नहीं मुझे बाद में दुआ पड़ी मैं दुआ पढ़ के बच्चे को रुकी अल्हम्दुलिल्लाह भी अच्छा है और हाँ आपके पास एक इम्पोर्टेंट बात पता नहीं थी मैं बोली हूँ आगे फिर भी हम बच्चों को सिखाते हैं बेटियों को ऐसे बैठना ऐसे उठना ऐसा करना वैसा करना यही बात हम लड़कों को कुछ भी नहीं बोलते उनको खुला छूट देते इसलिए अभी ऐसा हुआ है ना कितने केसेस या अल्लाह बच्चों से लेके बड़ों तक तो प्लीज़ आपकी बहन ही बहन है दूसरों की बेटी भी बहन है मैं भी शादी से आई और चाय बोला मैं बोला मैं तो खाई हूँ ना 3 बज गए मैं चाय बना रही हूँ हाँ और ऐसे ही काम करते रहते तो मैं आप सबके पास एक बात शेयर करना है मुझे आप सोच रहे हैं क्या बात शेयर करनी है इधर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हुआ है ना सबको पता है तो 9 अगस्त को इधर इंडिपेंडेंस डे की तैयारी हो रही थी तो उधर दरिंदों ने एक लड़की की किसको आज़ादी मिली लड़की अभी भी सुरक्षित नहीं है आप सब क्या कहते हो अभी भी आज़ाद नहीं है हमको आज़ादी मिली ही नहीं पहले तो रास्ते इतने बजे नहीं निकला सुरक्षित नहीं है लड़कियों की गलती है अब दिन भी रात हो गई है ना वो एक डॉक्टर मोमिता ऐसे कितने केस अदर कंट्रीज में शूट आउट करते हैं या उनको फांसी को चढ़ा देते हैं तो हमें क्यों ऐसा रूल्स नहीं निकालते क्या आप भी ऐसे ही एग्री करते हैं बेटी को कहते हैं कि बैड टच गुड टच इसके बारे में समझाओ लेकिन बेटों को भी समझाना चाहिए ना क्या करना है क्या करना नहीं है बेटी पहले बोलते थे कि बेटी पैदा करना तो दहेज देना पड़ेगा बहुत मुश्किल हो गया लेकिन अभी लगता है कि बेटी पैदा करना बहुत बड़ा गुनाह हो गया क्यों बेटी सुरक्षित नहीं है बेटी सुरक्षित ही नहीं है तो कैंडल मार्च करते हैं लेकिन मैं बोलती हूँ कि क्यों ऐसा करते नहीं कि जो रेप करते हैं लड़की की हाँ उसकी जान निकालते हैं किसी की बेटी है किसी की बहन हो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक क्यों ऐसे करते हैं अगर उनको कहावा राजा कहावा मैं क्या हुआ मैंने 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 करो इन्हें
इनुष कौन हो? मैं कहती हूँ कि अगर हमारी महाराजा हमारी कानून बाबू कहते हैं हमारी कानून उनको ऐसी सजा दे कि वो दोबारा कोई भी दरिंदा ऐसी हरकत ना करे, वैसी सजा सुनानी चाहिए। क्या आपको क्या लगता है? ये बस सही है क्या? आपको सही लगता है तो प्लीज़ बताएं। कैंडल मार्च करने से क्या वो लड़की वापस आएगी? कितने सपने लेकर, इतना नीट एग्ज़ाम कर लिख कर, हाँ नीट एग्ज़ाम लिख कर, फिर 5 इयर्स पढ़ कर, हाँ तो प्लीज़ ऐसे हमें ये भी नहीं पता चलता कौन सही है कौन गलत है किसके साथ रहना। तो पहले आप अपने बेटे बच्चों को अच्छी तरबियत दें। बेटे बच्चों को तो सिखाते ही हैं ऐसे मत करो वैसे मत करो, इधर ना जाओ उधर ना जाओ। तो प्लीज़ मैं आज यह नहीं कहूँगी आपके पास कि वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज़ थोड़ा सोचो प्लीज़। ओके दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना और अपने बेटी बच्चों का खास करके ख्याल रखना। प्लीज़ किसी के पास भी मत भेजो, आप खुद ही केयर टेक केयर करो। जजाकल्ला खैर, अल्लाह हाफिज़।